भाई। हाँ ठीक है ठीक है। तुझे दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे पता है तू जानबूझ के टकराया था, क्योंकि तुम्हें तो लड़कियों को टच करने का बहाना ढूंढना होता है ना। और ये मोबाइल उठा के क्या दिखाना चाहता है कि तूने गलती से टच किया है मुझे? अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं कॉल पे बिजी था इसीलिए आपसे टकरा गया। अच्छा, मैं ना तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, रोज आए दिन मेरे से ऐसे लड़के टकराते हैं, समझा? अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो पुलिस स्टेशन में जाएगा सीधा। नहीं नहीं मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, आप तो मेरा कॉल भी चेक कर सकते हो, आप जैसे समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे मुझे पता है तुम जैसे लड़कों का, दो तीन बंदे और होंगे तेरे आगे पीछे, तूने शर्त लगाई होगी कि देख मैं इस लड़की को टच करके आता हूँ, तुम जैसों को ना अच्छे से जानती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। और हाँ मैडम, एक तो मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे सुनाए पर सुनाए जा रही हैं। अच्छा मैं गलत बोल रही हूँ? एक तो मुझसे ही टकरा रहा है, ऊपर से मेरे से ही बहस कर रहा है, तो ये तो रुक मैं बताती हूँ, बुलाती हूँ पुलिस को। अरे नहीं नहीं, आप पुलिस को क्यों बुला रही? अरे क्या हुआ मैडम? भैया ये लड़का मुझे छेड़ रहा था, और जब मैंने इसको सुनाया तो ये मुझसे बहस करने लग गया और अपनी गलती की माफी भी नहीं मांगी। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तो गलती भी नहीं है, मैं कॉल पे बिजी था उसी में टकरा गया, और मैडम से मैंने बोला कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी वो मुझे इतना सुना रही है। अब मेरी गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? और हाँ भैया, आपको तो पता ही है मैं तो रोज यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैं भला ऐसा काम क्यों करूँगा? अरे मैडम ये ऐसा लड़का नहीं है, ये रोज यहाँ आता जाता है, ये ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा अब आप भी इसकी साइड ले रहे हैं, आप सबको ना मैं अच्छे से जानती हूँ, आप सब एक ही जैसे हो और मिले होगे इसके साथ पक्का। अरे मैडम ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। और हाँ मैडम, अगर आपको लगता है इसने गलती की है तो मैं इससे आपको माफी मंगवा देता हूँ। हाँ अगर ये मुझसे माफी मांगता है तब तो मैं सोच भी सकती हूँ और इसको छोड़ भी दूंगी। भाई तू भी माफी मांग ले यार, क्या इतनी छोटी सी बात पे हंगामा कर रहा है? ठीक है भैया, अगर आप बोल रहे तो मैं माफी मांग लेता हूँ, माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। आ गया ना अपनी औकात पे, अगर पहले ही माफी मांग लेता ना तो इतना हंगामा नहीं होता, समझा? निकल यहाँ से। सॉरी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा? अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा तो तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझकर ये सब नहीं किया, गलती से लग गया। ऐसे ही कल मैं आपसे गलती से टकरा गया था, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं समझा और मुझे थप्पड़ भी मारा और जेल भिजवाने की भी धमकी दे दी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। सेम आपने भी आज ऐसा ही किया है, मैं भी चालू तो आपको थप्पड़ मार सकता हूँ और जेल भिजवा सकता हूँ किसी भी बात को लेकर, लेकिन आप में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? आप एक लड़की हैं तो आप एक लड़की होने का फ़ायदा उठा लेती हैं, लेकिन हम जैसे लड़के क्या बोल सकते हैं? जब चार आदमी आ जाते हैं तो उनके सामने लड़कियों की बात मानी जाती है, ना कि लड़कों की। लेकिन जो आपने कल किया है वो बहुत गलत किया है, उसकी वजह से चार लोगों में मेरी इज्जत कम हो गई है, लोग मुझे गलत नज़रों से देखने लगे, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़कियों को गलत निगाह से देखता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। I'm really sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लड़की होने का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया, मैं ये भूल गई कि आप एक लड़की हो, अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँगी तो आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, और मुझे नहीं पता था मेरा कल वाला व्यवहार इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद कभी भी किसी भी लड़के के साथ ऐसा नहीं करूँगी जब तक मुझे ये ना पता हो कि उसकी इंटेंशंस क्या है। इसमें माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, बात है इंसानियत की। आपने इंसानियत का धर्म नहीं निभाया और मैंने निभाया, आपने कल मेरे साथ बहुत गलत किया, अब इस माफ़ी की वजह से मेरा नाम वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ जब लोगों को पता चलेगा कि मैं उस दिन गलत नहीं था तब वो समझेंगे मुझे। अब मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता, और आपने माफ़ी मांगकर ये तो दिखा दिया कि आप में भी अभी इंसानियत जिंदा है, सभी लड़कियों की तरह आप भी नहीं हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा, आगे कभी भी किसी के साथ अगर ऐसा हो
तो प्लीज उसे समझिए, फिर उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बाकी कोई बात नहीं, अब आप आराम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने यही बताया है कि जो गलत फहमी होती है ना, वो अक्सर लड़कियों में हो जाती है। कभी भी कोई उनको लड़का देखता है या टकरा जाता है तो वो गलत ही समझती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई अपनी गलती की वजह से टक्कर खा जाता है, लेकिन लड़कियाँ वो समझती हैं कि जानबूझकर टक्कर खा गया है, इसीलिए वो उसे मार देती हैं और पुलिस और थाने की धमकी दे देती हैं, जो कि गलत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो के माध्यम से हम बस यही समझाना चाहते हैं कि गलत फहमी का शिकार ना बने। और मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। देख लिया कर उधर।